महासम्मन हम लोग के यहाँ पे आए थे और इनके मार्गदर्शन से ही नीतीश जी ने यहाँ पे आज ये शराबबंदी लागू की है। कबीर दास जी ने भी मन मरा माया मरी मरमर गया शरीर आशा तृष्णा नामरी कर। बिहार की धरती अपने आप हमारे लिए एक रमणीय स्थान है और ये है आचार्य श्री महाश्रमण दसवें आचार्य हमारे, और जो अपने इससे पूर्व जो अब्दुल कलाम। नमस्कार, जय जिनेंद्र। SSI2 में स्वागत करते हैं, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के टेढ़ी घाट और वो सिंगी दलान में, और बहुत ही हर्ष की बात है कि श्री जैन सतांबर जो तेरा पंथ होती है, सभा होती है जैन लोग का, जैन साध्वी देश विदेश के तमाम विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए पटना साहिब पटना सिटी में आई है पैदल। ये बहुत ही हर्ष की बात है, चार लोग आए हैं और ये विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ राजस्थान में इनका पड़ाव ऐसे पटना जंक्शन है। हम तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे और एक दिन उपवास तो एक दिन इनका भोजन होता है, भोजन नाम मात्रा का होता है। इस भीषण ठंड में नहीं तन पे एक स्वेटर है नहीं शॉल है, कैसे इनको रहन सहन है, हम तमाम चीज़ों से जैन साध्वी से ही अवगत करवाते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम किशनगंज चतुर्मास करके राजनगर फारिशगंज वो छोटे मोटे क्षेत्रों में होते हुए पटना पहुँचे हैं, और पहले हमारा चतुर्मास आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या, मेरा नाम साधु संगीत जी है, और हमने इससे पहले चौमासा सिलचर किया, वहाँ करीमगंज भी गए, शिलोंग भी गए, और भी छोटे मोटे गुवाहाटी और भी ग्वालपाड़ा बहुत क्षेत्रों को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा के अनुसार हम किशनगंज पहुंच गए। वहाँ भी आचार्य महाश्रमण जी का जो संदेश था, जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि भगवान महावीर ने बताया है अहिंसा परमो धर्म, न हिंसा अहिंसा, जो आत्मा अहिंसामय होती है उनका जीवन बड़ा सफल और उच्च होता है। आचार्य महाश्रमण जी का ये मिशन है कि हर व्यक्ति सदव्यवहार रखे, प्रामाणिक रखे, नैतिक रहे और व्यसन मुक्त जीवन जिए। व्यसन मुक्त जीवन और प्रामाणिक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को सार्थक और सफल बना लेता है। तो आज हम भी हर गांव गांव में क्षेत्र में पाँव पाँव पग पैदल चलते हैं, लोगों को यही संदेश देते हैं कि सबके साथ मैत्री की भावना रहे, प्रमोद की भावना रहे और सब सदव्यवहार रहे। क्योंकि ठीक कहा है कबीर दास जी ने भी, मन मरा माया मरी मरमर गया शरीर आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर, कि आदमी मन और ममता को मारेगा, तृष्णा को दूर करेगा, तो वो सही आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त कर सकेगा। भगवान महावीर के अनुयायी तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्याएं हम भ्रमण करते करते पैदल चलते चलते बिहार की भूमि में आए हैं। बिहार की भूमि एक ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक भूमि है, जहाँ पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। हमारे तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर जिनकी यह पवित्र भूमि है, जन्म भूमि है, तो हमें गौरव होता है कि हम हमारे प्रभु के जन्म स्थली पर आए हैं। आज पटना शहर में साध्वी श्री जी का 2 दिन पूर्व ही पदार्पण हो गया था। पटना शहर पटना सिटी बहुत ही भावना भक्ति वाले श्रावक श्राविकाएँ यहाँ रहते हैं, और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की भावना रहती है। हमारा तेरापंथ धर्म संघ का एक मेला होता है माघ महोत्सव, माघ महीने में मर्यादा महोत्सव जिसे कहते हैं, वो पटना जंक्शन में होगा। यहाँ के भाई बहनों की भी भावना थी कि हमारे यहाँ पर आप मर्यादा महोत्सव का बड़ा उत्सव दीजिए, लेकिन साध्वी श्री जी ने पटना जंक्शन में फनवाया है। यह हमारे तेरापंथ धर्म संघ की एक मर्यादाओं का मेला होता है। ऐसे महाश्रमण जी सुशिष्या साध्वी श्री संगीत श्री जी के साथ अभी हम वर्तमान में आसाम बंगाल की धरती पर विचरण करते करते वर्तमान में हम बिहार की भूमि जो हमारे भगवान महावीर की जन्मस्थली पर आए हैं। साध्वी श्री जी साध्वी संगीत श्री जी आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशानुसार अहिंसा यात्रा के 3 निर्देश को लेकर के गांव-गांव पहुंच रही हैं। अहिंसा, नशा मुक्ति और सद्भावना,
हर एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। हर व्यक्ति के भीतर में सद्भावना की प्रेरणा जागृत कर रही हैं कि हमारा श्रावक समाज नशा मुक्त बने और सद्भावना सबको भाई भाई समझे, ताकि ये हमारा देश एक दिन अच्छा बन सके। हर व्यक्ति के भीतर में अहिंसा की भावना जागृत हो सके। साध्वी जी का लक्ष्य कि यहाँ पर जो हमारे तेरापन धर्म संघ का महाकुंभ का मेला कहा जाता है, मर्यादा महोत्सव, वह यहाँ मनाने के लिए पटना जंक्शन में पधार रही हैं। और साध्वी जी एक ही लक्ष्य है कि हम गुरु इंगित के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते हुए जहाँ हम गुरु का आदेश होगा वहाँ पर पहुँचने का लक्ष्य है। इन्हीं भावना के साथ विजय बांठिया, राजश्री बांठिया, सुनीता बर्मेचा, आज यहाँ देख रहे हैं बहुत ही उत्साहपूर्ण रूप से यहाँ पर, खास करके श्री जैन सितम्बर तेरापंथी सभा के लिए क्या लग रहा है, और ये पीछे की जो तस्वीर जो है वो आप हम देखिए। मैं श्री जैन सितम्बर तेरापंथ सभा का एक सदस्य हूँ, और हमारा सबसे बड़ा एक ही लक्ष्य होता है, हम लोग का एक गुरु होता है और एक ही विधान है, जो गुरु कह दिया उन्हीं के मार्ग पे चलते हैं। ये जो है हमारे सबसे सर्वप्रथम गुरु है, इन्हीं ने ये पंथ हमारा चलाया है, आचार्य श्री भिक्षु। ये नौवे गुरु है आचार्य श्री तुलसी अनुव्रत अनुशास्ता, आचार्य श्री अनुव्रत का इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया है, और इन्होंने इनके संपर्क में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब बड़े बड़े लीडर इनके सानिध्य में और इनका मार्गदर्शन पाया है। और ये है आचार्य श्री महाश्रमण दसवें आचार्य हमारे, और जो अपने इससे पूर्व जो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे उनके साथ मिलकर इन्होंने विज्ञान के ऊपर बहुत पुस्तकें लिखी है, प्रेक्षा ध्यान के बहुत बड़े ये मार्गदर्शक है। और ये हमारे 11वें गुरु है वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण, और उनसे भी सब नेता लोग मिलते रहे। अब रामदेव बाबा भी इनसे बहुत वो लेते हैं ध्यान के बारे में। और जो यहाँ पे बिहार में जो शराबबंदी है सबसे बड़ी बात है, उस समय आचार्य श्री महाश्रमण हम लोग के यहाँ पे आए थे, और इनके मार्गदर्शन से ही नीतीश जी ने यहाँ पे आज ये शराबबंदी लागू की है। मेरा मानना है, मेरा जानना है, जब तक मेरी जानकारी है कि इनके मार्गदर्शन से, और उन्होंने नीतीश जी ने इनको राष्ट्र अतिथि घोषित किया है, आचार्य श्री महाश्रम को राष्ट्र अतिथि घोषित किया नीतीश जी ने, और आज जो नशाबंदी है इन्हीं का मार्गदर्शक है। अहिंसा पर्वत ये कम से कम अभी पूरे वर्ल्ड में नेपाल भूटान वगैरह सब जगह पैदल यात्रा करते हुए, अब ये राजस्थान, राजस्थान से ये सूरत वगैरह जाएंगे, टोटल पैदल चलते 52,000 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। यहाँ पर अच्छा लग रहा है हमको भी, यहाँ पर हमको ये नए साल का उपहार समझिए हमारे लिए कि हमको साध्वी जी की संगीत श्री जी की सानिध्य में हमको मंगली पाठ सुनने को मिला, और ये चारों सतियाँ 3 साल से एक दिन उपवास रखती है, एक दिन खाती है, वो भी दिन छिपने के बाद ये लोग पानी भी नहीं पीती है, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जिनेन्द्र साध्वी श्री का इस नए साल में हम लोग को वृहद मंगल पाठ सुनने का प्रथम अवसर मिला, और ये हमारे निवास स्थान पे विराजमान है, और सुबह दोपहर शाम हम लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी के साथ ओम राम।